अमिताभ बच्चन। 76 साल की उम्र में अमिताभ फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में जिस किरदार के साथ नजर आएंगे, शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। इस उम्र में बुजुर्ग अमिताभ बच्चन इतना दमदार रोल भी कर सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकते हैं और अपने से 10 साल 20 साल छोटे उम्र के एक्टर्स को, कलाकारों को जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। दरअसल एक और गाना हुआ है रिलीज जिसमें नजर आए हैं फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के कलाकार मंजूरे खुदा, कटरीना कैफ, सना फतिमा शेख, आमिर खान और तो और अमिताभ बच्चन, इन सभी की बॉन्डिंग फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। तो एक्शन अवतार में मेगा स्टार अमिताभ को आप देखेंगे। गाना में दिखाया गया है किस तरह का रोल होगा अमिताभ का, एक्शन फाइट और जिस तरह के सीन्स वो दे रहे हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि इस उम्र में वो एक हीरो की तरह ऐसा एक्शन करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए अमिताभ बच्चन को क्या क्या करना पड़ा है? आज हमारे प्रोग्राम बिग बी स्पेशल में मैं आपकी होस्ट तृप्ति बताऊंगी आपको अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए कितने तकलीफ को सहना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए काफी तकलीफ सही है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग भारी भरकम कपड़े पहनने के लिए खुद को मशहूर किया है और डिमांड के अकॉर्डिंग ड्रेस पहनने के लिए अमिताभ बच्चन भले तैयार हुए हो लेकिन वो उनकी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी रही। पैसों के लिए कहें या फिर प्रोफेशन के लिए कहें, फिल्म की डिमांड के लिए कहें या फिर अपनी प्रोफेशन से लगाव कहें, अमिताभ ने खुद को तकलीफ देकर, खुद को बीमार कर फिल्म की शूटिंग के बीच बिना रुके बिना थके अपना काम पूरा किया। शायद यही वजह है कि अमिताभ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने कदमों पर झुकाने के काबिल माने जाते हैं। है बिग बी स्पेशल में आज अमिताभ बच्चन की बात हो रही है तो उनकी जिंदगी से जुड़ी, निजी जिंदगी से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी, उनकी रिसेंट एक्टिविटीज से जुड़ी खास खबरें हम आपको देते हैं। तो बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, जानते हैं उनसे जुड़ी ये सारी बातें। हाल ही में फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के एक गाने को रिलीज किया गया। गाने का वो वर्जन सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन को फिल्म में देखने का कर रहा है इंतजार। थग्स ऑफ हिंदुस्तान जिसमें अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, सना फतिमा शेख के साथ आमिर खान होंगे। फिल्म का गाना मंजूरे खुदा का वो नज़ारा सामने आया है जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आए हैं बिल्कुल एक्शन अवतार में। 76 साल की अमिताभ का एक्शन अवतार देख कोई 70 के दशक को याद ना करे भला ये कैसे हो। उस जमाने में जब अमिताभ बच्चन फुल एक्शन मूड में हुआ करते थे, जब शहनशाह के नाम से अमिताभ बच्चन की पहचान बनी थी, तब उनकी जो बॉलीवुड में पहचान थी उस पहचान को दोबारा याद करते हर कोई यही सोचेगा कि वाकई में अमिताभ बच्चन में अब भी वो जज्बा है, वही जज्बा जो कभी जवानी के दिनों में उन पर हुआ करता था। 76 की उम्र में भी 25 और 30 की उम्र के एक्टर्स के साथ बराबरी का वो जोश दिखाते नजर आए हैं अमिताभ बच्चन। गाना मंजूरे खुदा में एक्शन करते हुए जिसे देख कोई भी कह दे भैया आमिर खान जो उनसे लगभग 20 साल छोटे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के सामने फीके पड़ रहे हैं। जी हाँ, इस बार फिरंगी का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में आमिर खान। वहीं अमिताभ बच्चन देश के लिए लड़ाई लड़ने का एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो कि इस फिल्म के रीढ़ के हड्डी भी कहे जा सकते हैं, यानी कि लीड भूमिका में है अमिताभ बच्चन। वहीं सना फतिमा शेख भी एक्शन अवतार में नजर आएंगी। खैर, इन सब के बीच आपको जानकारी हम जरूर देना चाहेंगे। दरअसल ये खबरें खूब चर्चा में रही कि अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमेशा से ही एक नया किरदार में काम करते देखा गया है। ये बात अलग है कि जब उनका होम प्रोडक्शन पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था, होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, तब अमिताभ बच्चन को तंगहाली का भी सामना करना पड़ा था। सालों पहले की ये बात है, तब अमिताभ बच्चन अपने होम प्रोडक्शन के डूबने की वजह से काफी परेशान थे, जिसके बाद
केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति नाम के रियलिटी शो को होस्ट करने का उन्हें मौका मिला और इस मौके पर चौका लगाने के साथ अमिताभ ने अपनी डूबती करियर और फाइनेंशियल कंडीशन को बचाने में पूरी एड़ी चोटी लगा दी थी। ये तब खबरें एक इंटरव्यू में आई थी कि अमिताभ बच्चन के लिए केबीसी बेहद खास रहा। उनकी जिंदगी का नया मोड़ केबीसी ने आकर उनकी जिंदगी में बनाया। अमिताभ और उनकी करियर की जब भी बात होती है तो ये भी खबर आती है कि फिर चाहे अमिताभ बच्चन को छोटी से छोटी स्तर की फिल्में करनी पड़े या फिर कोई बड़े कमर्शियल एंगल की फिल्में करनी पड़े, हर फिल्म में वो जिस तरह से जी जान लगा देते हैं, अपने किरदार में पूरी तरह से खुद को छोड़ देते हैं। एक ही बात की तरफ ये इशारा है कि उनके लिए हर एक फिल्म में काफी महत्व रखती है। खैर, ये बात भी सभी जानते हैं कि बीते कुछ महीने पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दरमियान ये खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन को धूप में शूट करने की वजह से, भारी भरकम कपड़ों में शूट करने की वजह से तकलीफ हुई, जिसकी वजह से उन्हें बीमार होना पड़ा। बीमारी में भी, बुढ़ापे की उम्र में भी उन्होंने रेस्ट तो लिया लेकिन शूटिंग कम्प्लीट। वहीं फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में स्वीकारा कि डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें भारी भरकम ड्रेस पहननी पड़ी थी। भारी भरकम कपड़ों से लदे अमिताभ बच्चन को आपने मंजूरे खुदा गाना में भी एक्शन करते देखा होगा। उम्र के लिहाज से उनका ये भारी भरकम कपड़े पहनना उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। बुढ़ापे की उम्र में भी बीमारी से रात और नींद गवा कर तड़पते अमिताभ ने अपनी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट की। ये भी सभी जानते हैं कि खुद अमिताभ ने एक बार ट्विटर पर शेयर किया था पोस्ट जिसमें इस बात को उन्होंने बयां किया था कि रात रात भर शूट के बाद सुबह तकरीबन 4 बजे वो घर तक लौटे हैं। मतलब जिन्हें जबरदस्ती भारी भरकम ड्रेस तक पहनाया गया, वेल उनका ये किरदार कितना खास होगा आप भी समझ सकते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन का बीमार होने के बावजूद अपने काम के प्रति लगाव करता है इशारा कि अमिताभ के लिए हर काम है कितना खास। अब देखते हैं फिल्म में उनकी ये मेहनत किस तरह रंग लाती है। अपने ससुर जी श्री हरिवंश राय बच्चन को कितना सम्मान देती थी जया बच्चन, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री। ये सवाल आप सभी के जहन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। वेल, इस सवाल का जवाब आज हम आपके बीच इस खास रिपोर्ट में देंगे। वेल, एक खबर ऐसी थी अमिताभ और जया की शादी को लेकर कि स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन ने ही अमिताभ जया की शादी का फैसला लिया था। ये तब खबर आई थी जब अमिताभ बच्चन और जया की शादी के पीछे का राज जानने की कोशिश में कुछ खबरें सोशल मीडिया पर नहीं लेकिन बॉलीवुड की टाउन से बाहर आने लगी थी। सूत्रों के हवाले से ये तक खबर आई थी कि जब अमिताभ और जया कहीं घूमने गए हुए थे तो दोनों को घूमते देख अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने फैसला लिया था कि क्यों ना अमिताभ जया की शादी करा दी जाए, उसके बाद ये दोनों साथ रहेंगे। वेल वेल वेल, और इस हरिवंश राय बच्चन की बात सुनने के बाद ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने उनके इस फैसले पर राजी होने का फैसला लिया था और तभी से ही अपनी बहू जया बच्चन को अपने घर की बेटी की तरह रखने के लिए हरिवंश ने ठान ही ली थी। कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन के साथ जया का व्यवहार बेहद खास था। बेहद सम्मानीय तौर पर सास ससुर के साथ पेश आती थी जया और इस बात की गवाह वो तस्वीरें है जो अमूमन सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। वेल, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के फेवरेट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर, जिसमें हमने बात की है बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की लाइफ के बारे में, उनकी फिल्मी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, लेडी लव जया बच्चन से लेकर उनकी आने वाली फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं ये फिल्म आने वाले महीने में रिलीज होने वाली है। दिवाली के मौके पर थग्स ऑफ हिंदुस्तान को रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म धमाकेदार रूप में आपके बीच पेश की जाएगी। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज में
साल 2018 की बॉलीवुड में एक बड़ा जो सपना देखा था सलमान खान से लेकर बड़े बड़े स्टार्स ने, सपना को अमिताभ अपने फिल्म में पूरा करेंगे एक अलग ही किरदार के साथ, जिसके लिए पूरी उम्मीद है फैंस को कि इसमें कोई कमी ना हो। खैर फिल्म तो रिलीज होगी, पता चल जाएगा अमिताभ के किरदार के बारे में, उनकी कुर्बानियाँ, उनका तकलीफ सहना, बीमारी से जूझना कितना काम आया और फैंस की दुआएं कैसे अमिताभ बच्चन को लगी। वक्त आ गया है बिग बी स्पेशल इस शो का यहीं एंड करने का, तो मुझे अब दीजिए इजाजत, अगली बार लौटेंगे फिर से इस शो को लेकर, बिग बी को लेकर कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की हर खबर देखते रहें आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।